Yes, ma'am. Okay. So now start. Part 16. Discom Sodashah Patha. Mitram Prati Patram. इस पार्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे. यस मैम. ठीक है, मैं आप लोग को फोटो सेंड कर रही हूँ, आप लोग देखिए. यस मैम. मैम मैम स्क्रीन उल्टा दिख रहा है. हाँ हाँ अब दिखाई दे रहा है. यस मैम. यस मैम. ओके, आप ठीक दिख रहा है ना. ठीक दिख रहा है. चलिए देखते हैं. अब देखिए. मित्रम प्रति पत्रम. मित्रम प्रति पत्रम का मतलब क्या होता है? हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मित्र को पत्र लिख रहे हैं. तो क्या करते थे हम, एक दूसरे की जानकारी लेने के लिए, उनका समाचार, कुशल समाचार लेने के लिए क्या करते थे, एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे. तो यहाँ पर वही है, एक मित्र अपने दूसरे मित्र को पत्र लिख रहा है. देखिए, पत्र लिखने का फॉर्मेट आप सभी को मालूम है कि पत्र कैसा लिखा जाता है. जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि उसने अपना नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कहाँ से पत्र लिख रहा है और किस तारीख को पत्र लिख रहा है. दिख रहा है? यस मैम. यस मैम. यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर उसने अपना नाम लिखा, प्रिय मित्र राहुल. मतलब वो अपने मित्र को नाम लिख रहा है, प्रिय मित्र राहुल. उसके बाद यहाँ पर बताया गया है रायपुर नगरा, दिनांक 5/12/18 को. ठीक है, आपका 5/12/5 लिखा हुआ है. आप देखते हैं क्या लिखा. सह स्नेहम नमस्कार, ये लिखा हुआ. सह स्नेहम मतलब प्रेम से, या फिर हम सब प्रेम बोल सकते हैं इस तरह. सह स्नेहम नमस्कार मतलब सब प्रेम नमस्कार. आगे, तव पत्रम प्राप्यम परम प्रासिदम. तव मतलब तुम्हारा. ठीक है, पत्रम मतलब पत्र, प्राप्यम मतलब प्राप्त हुआ, प्रासिदम मतलब प्रसन्न होना. तुम्हारा पत्र पाकर मैं प्रसन्न हुआ. उसके बाद, त्वं रायपुर नगरस्य दीपावल्याः शोभा वर्णनम अपृच्छ अतः अत्रत्यं शोभां वर्णयामि. तुमने रायपुर नगर के दीपावली की शोभा का वर्णन पूछा, इसीलिए यहाँ की शोभा का वर्णन करता हूँ. मतलब पहले उसके मित्र का पत्र आया होगा जिसमें उसने कहा होगा कि तुम्हारे यहाँ रायपुर नगर में किस तरह दिवाली मनाई जाती है, इसका वर्णन कीजिए करना. तो वो अपने मित्र को वही वर्णन बता रहा है कि तुमने रायपुर नगर के दीपावली की शोभा का वर्णन पूछा, इसीलिए यहाँ की. चतुर्दशा दीपावली उत्सव अतीव अहो दिन संपादित. ठीक है, यहाँ पर आपको ये बता रहा है इस वर्ष 14 तारीख को क्या बताया गया है. अस्मिन वर्ष मतलब इस वर्ष नवंबर मास की 14 तारीख को दीपावली का उत्सव अत्यंत खुशी से लोगों के द्वारा मनाया गया. सर्वे जना स्वग्रहाणी आपणाम च सुधया अलिपमन. ठीक है, अलिपमन मतलब क्या होता है, जैसे हम घरों में कैसे दिवाली आने से पहले पुताई वगैरह कराते हैं, तो अलिपमन मतलब होता है पुताई वगैरह कराना. ठीक है, और आपणन मतलब क्या होता है, जैसे हम जो दुकानें होती है ना उसके बारे में बता रहे हैं. सब लोग अपने अपने घरों और दुकानों, स्वग्रहाणी मतलब अपने घर की,
और आपणान मतलब दुकानों की। सब लोगों ने अपने अपने घरों और दुकानों की चूने से पुताई करवाई। के चित्रेश अलंग के बाद खिलौनों और चित्रों से सजाया। आपने नाना प्रकारानी मिष्ठानी सज्जितानी आसन, आपने मतलब दुकानें, दुकानों में अनेक प्रकार की मिठाइयां सजी थी। रात्रो भवनेशु विद्युत दीप पकल्यम तैल दीप कताशश नगरश शोभाम वर्धयंती स्म। रात को भवनों में बिजली और तेल के दीपक से नगर की शोभा बढ़ती थी। हम सभी जानते हैं रात में हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो घर होते हैं वहां पे बिजली वाले जो आप देखते हैं लड़ी जो लगती है, ठीक है, वो लगाई जाती है, और लोग क्या करते हैं जो तेल वाले दिए होते हैं दिए से घर को सजाते हैं। तो वही बता रहे हैं कि रात के समय भवनों में बिजली और तेल के दीपकों से नगर की शोभा बढ़ती है। सर्वत्र महान जन संपर्दम आसित, सब जगह लोगों की भीड़ थी। अहम वारम वारम स्वाम अस्मरम, मतलब मैंने बार बार तुमको याद किया। अस्मरम मतलब याद करना, हम बोलते ना स्मरण करना मतलब याद करना। मैंने वारम वारम मतलब बार बार तुमको याद किया। अस्तु ठीक है। स्वमपि स्वनगर से बिलासपुर से कश्चित उत्सव विषय लिखित्वा मम औत्सुक्यम तोषय, मतलब तुम भी अपने नगर की किसी उत्सव के विषय में लिखकर मेरी उत्सुकता को संतुष्ट करो। वो कहाँ रहता है? बिलासपुर में। तो वही तुम भी अपने नगर के किसी उत्सव के विषय में लिखकर मेरी उत्सुकता को संतुष्ट करो। किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ कर दीजिए। आकृति राय माइक ऑफ करिए। उसके बाद देखते हैं क्या बोला गया है। स्वपित्रो चरणेशु सादरम मम प्रणामान कथ्य, मतलब अपने माता पिता के चरणों में मेरा आदर पूर्वक नमस्कार कहना, ठीक है। तो अभिन्न मित्र मतलब तुम्हारा अभिन्न मित्र, क्या नाम है उसका? सूरज। अष्टम श्रेणी था मतलब कक्षा आठवीं में बताया गया। तो पत्र समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। हाँ यस। तो यहाँ पर उसने क्या बताया कि अपने नगर में, मतलब उसने रायपुर नगर का रहने वाला है, उसने बताया कि वहां दिवाली कैसे मनाई जाती है। अब वो अपने मित्र से ये बोल रहा है कि तुम अपने मतलब तुम बिलासपुर के किसी भी त्योहार का वर्णन मुझे भेजना, मैं उसके लिए उत्सुक रहूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, तो मैं इसका आपको नोट सेंड कर दे रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है। यस मैम। और मेरे को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? नो मैम। ठीक।